कल जो कुछ हमने पढ़ा था आज उसको 6 की एनसीईआरटी से प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लेंगे, है ना। 7 की अंडरस्टैंडिंग, 7 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी करने के पहले जो हम कल फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे, आज उसको ज़रा डिटेल में देखते हैं, क्योंकि कल मेसअप हुआ था हमारा सबका। ऐसे लग रहा था कि हम फ्लो में नहीं जा रहे, राइट। तो आज उसको हम फ्लो में एनसीईआरटी के थ्रू हम वर्कआउट करेंगे। तो फर्स्ट टू चैप्टर्स जो है, एक था पहला डाइवर्सिटी, है ना। तो डाइवर्सिटी इन यूनिटी हम देख रहे थे। डाइवर्सिटी को सिंपली हम समझे थे किस तरह से होता है कि हम कोई पर्सन उनका रहने का ये मतलब डिफर इन द रिलीजन से लेकर उनके रहने का तरीका हो, है ना, बिहेवियर हो, उनकी कंडीशन हो, इकोनॉमिक, अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया हो, उसके अकॉर्डिंग हम वेरिएशन देखते हैं और उसी वेरिएशन को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। उन्हीं डाइवर्सिटी में से हम इनइक्वलिटी देखते हैं इन टर्म ऑफ इनइक्वलिटी, किसके टर्म में, इकोनॉमिक एंड कास्ट बेस, और उन्हीं के बेस पर हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं अगर हम खुद को स्टीरियोटाइप कर ले। स्टीरियोटाइप करना मतलब प्रिजुडाइज करना एक टाइप का, कि हम पहले से जानते हैं, है ना, कि वो उनका रिलीजन अलग है, वो रहता अलग है, खाना पीना उसका अलग है, तो हम खुद खुद ही प्रिजुडाइज कर लेते हैं, है ना, खुद ही डिसाइड कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि दोज पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम अस बिकॉज दे डोंट हैव एनी सिमिलैरिटीज। जो हम प्रीज करते, जो हम बोलते, हम भाषा बोलते हैं, हम रहने का हमारा जो तरीका है, सोचने का हमारा तरीका है, सो ड्यू टू द प्री जुडाइज एंड ड्यू टू अवर स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप मतलब कोई भी चीज़ को पहले से दिमाग में डाल देना, ओके, उसके वजह से हम डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं। और एनसीईआरटी में उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का भी एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह से उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया था, ओके। तो और ये डिस्क्रिमिनेशन जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे, सभी फ्रीडम फाइटर को ये जब हम इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे तभी सोसाइटी के हर एक सेक्शंस को उन्होंने अच्छे से देखा है, साथ में जब आए थे तब देखा है कि अलग अलग एरिया से, अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन से, अलग अलग रिलीजन्स के लोग, अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग, अलग अलग इकोनॉमिकल कंडीशंस के लोग जब एक साथ आते थे तब उन्होंने ये देखा था कि किस तरह से एक दूसरे को लोग डिस्क्रिमिनेट करते थे, है ना, ड्यू टू किसके लिए। तो सिर्फ जो प्रिजुडाइज माइंड है हमारा, एक कास्ट के बारे में, एक धर्म के लोगों के बारे में हम ये डिस्क्रिमिनेशन देखते थे, उसी को हम डिस्क्रिमिनेटिंग बोलते थे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट को ज़्यादा भी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, आप पढ़ के और उसको समझ सकते हैं। थर्ड हमारा जो चैप्टर था वो था गवर्नमेंट, राइट। कौन सा चैप्टर है, गवर्नमेंट। और ये गवर्नमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। कल हम उसको पढ़ने की कोशिश किए थे लेकिन हम पूरा फिसल गए थे, आज नहीं फिसलेंगे हम, प्रॉपरली उसको ये करेंगे। तो गवर्नमेंट के ऑलरेडी मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी है, ओके, तो भी उसको आज हम अच्छे से डील करेंगे। देखो आर के लक्ष्मण का कोट है और यहाँ पे दो कार्टूनिस्ट दिखाए हैं, है ना, ये कार्टून यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक नॉट बैड, वन ऑफ द टैप्स इन द नियर बाय विलेज मस्ट बी गेटिंग वाटर, है ना, बहुत बुरी स्थिति नहीं है कि वन ऑफ द टैप इन द नियर बाय विलेज, कि आजू बाजू का कोई तो भी एक टैप से पानी आता हो, ओके, है ना, आजू बाजू के कोई भी एक नल से पानी मिल रहा हो। देखो ये जो हम बहुत सारे ऐसे कार्टून देखते हैं जब हम न्यूज़पेपर देखते हैं, है ना, जैसे वो ठाकरे का नाम सुना होगा आपने, बाड़ा साहेब ठाकरे, तो ये तरीका होता है खुद को एक्सप्रेस करने का अगेंस्ट द गवर्नमेंट, दैट इज़ वाई यहाँ पे ये शो किया है, ठीक है। अगेन सेकंड पिक्चर भी वही है, आई टोल्ड हिम टू मेक द गार्लैंड स्मॉलर, ही इज़ अ फ्रेल ओल्ड मैन एंड वुड नॉट बी एबल टू स्टैंड द वेट ऑफ सच अ ह्यूज गार्लैंड। तो हम ये पॉलिटिकल सिनेरियो में इसको टिप्पणी कहा कहते हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट पे कटाक्ष लेना, ठीक है, क्रिटिसाइज करना। तो क्रिटिसिज्म का यहाँ पे सिंपली ध्यान में रखना है कि जो कार्टूनिस्ट होते हैं, जो कार्टून्स के द्वारा लोगों के एक्सप्रेशंस को गवर्नमेंट के सामने रखते हैं या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, और ये बहुत पावरफुल वेपन है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल किसका है, आर के लक्ष्मण, है ना, और उन्हीं का ट्वीट है ना, वो कार्टूनिस्ट थे ना, अ कार्टूनिस्ट बिजनेस
इन अ डेमोक्रेसी इज टू एक्सरसाइज हिज राइट टू क्रिटिसाइज रेडिकुल फाइंड फॉल्ट विथ पॉलिटिकल लीडर्स थ्रू कार्टून्स। ये आपको डेमोक्रेसी के बारे में बताता है कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट के अपोजिशन में किस तरह से कार्टून शो करके गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया करते थे। ठीक है, तो कार्टूनिस्ट बिजनेस क्या है इन अ डेमोक्रेसी? इज टू एक्सरसाइज हिज राइट, उसको खुद का अधिकार एक्सरसाइज करना है, टू क्रिटिसाइज रिडिकुल फाइंड फॉल्ट विद द पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स किस तरह से गलत करते हैं, और थ्रू द कार्टून पॉलिटिकल लीडर जो भी गलत कर रहे हैं कार्टून के थ्रू उनको क्रिटिसाइज करना, ये कार्टून इसका बिजनेस होना चाहिए, ऐसा आर के लक्ष्मण का स्टेटमेंट है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट सिंपल क्या है? तो हम आसान भाषा में जो एनसीईआरटी ने समझाया है वही हम समझने की कोशिश करना है आज, कि यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द वर्ल्ड गवर्नमेंट मेंशन सेवरल टाइम्स इन दिस चैप्टर, यू विल रन अबाउट द गवर्नमेंट। किसके बारे में हमें पढ़ना है? अबाउट गवर्नमेंट एंड इज इम्पोर्टेंट रोल। तो दो चीज़ें हमें आज क्लियर करना है कि व्हाट इज़ गवर्नमेंट एंड उसके रोल क्या है। व्हाट डू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या करती है, हाउ और किस तरह से करती है, हाउ डू दे डिसाइड वॉन्ट टू डू, उनको जो करना है वो किस तरह से डिसाइड करते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से कौन कौन से टाइप्स है, तो हमें क्या क्या देखना है, गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट की डिफिनेशन क्या है, उनके रोल क्या है, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, किस तरह का इसका करती है जो उनको करना है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई है। दूसरा कि डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट फॉर्म्स कौन से होते हैं, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जैसे हम डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट फॉर्म है और मोनार्ची एक गवर्नमेंट फॉर्म है, जो पहले राजा चला करते थे, ठीक है, वो दोनों के बारे में भी यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, अभी ये देखो हम गवर्नमेंट के जब बारे में पढ़ते तो ये सारी न्यूज़ फ्लैश होती है हमारे सामने, होती है ना पेपर में, गवर्नमेंट सॉट टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर, डिटेल प्लान टू टैकल फूड सून सेज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट फिक्स प्राइस ऑफ ओनियन, अभी हम इसको चेंज कर देंगे, गवर्नमेंट फिक्स प्राइस ऑफ टमाटोज, है ना, इस तरह से सेज नो शॉर्टेज इन द मार्केट, सरप्राइज कोर्ट कैन हैव 5 more judges, है ना, गवर्नमेंट फॉर रिवैम्पिंग कोल एंड पावर सेक्टर। तो ये सारे गवर्नमेंट के हम जो न्यूज़पेपर जब देखते हैं तो ऐसी हेडिंग्स हमें देखने को मिलती है, सब रिलेट करते हैं गवर्नमेंट के वर्क से। ओके, सो हाँ, एवरी गवर्नमेंट मैंने एनी कंट्री, जितनी भी कंट्री है सबको क्या चाहिए, नीड गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। सो एवरी कंट्री नीड अ गवर्नमेंट टू मेक, किस लिए, डिसीजंस लेने के लिए, ओके, मेक द डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन, जो भी उनको चीज़ें करना है वो करने के लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, दिस कैन बी डिसीजंस अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड, क्या कौन कौन से डिसीजन ले सकते हैं फिर, रोड कहाँ बांधना है, स्कूल कहाँ बांधना है, ठीक है, सो बिल्डिंग द रोड, स्कूल्स, हाउ टू रिड्यूस द प्राइसेस, ओके, व्हेन दे गेट द एक्सपेंसिव और वेज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कहाँ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाना है, कहाँ कुछ करना है, ये सारी चीज़ों का डिसीजंस किसको लेना है, गवर्नमेंट को लेना है। जैसे अभी टमाटर के भाव बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट को डिसीजंस लेना है कि हम कहाँ से इम्पोर्ट करें ताकि मार्केट का जो डिमांड है वो डिमांड को हम फुलफिल कर सके, पूर्ण कर सके। ठीक है, सो द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक एक्शन, अभी एक पार्ट हो गया, दूसरा है गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स एक्शंस ऑन द सोशल इश्यूज, कौन कौन से सोशल इश्यूज होते हैं, है ना, सोशल इश्यूज, जैसे हमें कुछ ओल्ड एज के लिए प्रोग्राम बनाना है, कुछ बैकवर्ड पीपल के लिए पॉलिसीज बनाना है, या फिर पुअर जो है उनके लिए पॉलिसीज बनाना है, उनको कुछ फूड जो राइस है वो फ्री में देना हो, या कोई भी, वो सारे डिसीजन जो होते हैं वो सारे एक्शंस गवर्नमेंट को लेना है। और क्या क्या करना है, सोशल प्रोग्राम में पुअर को हेल्प करना है, ठीक है, पोस्टल सर्विस चलाना है, रेलवे सर्विस चलाना है, रोड सर्विस चलाना है, जो बस सेवा हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें किसको करना है, गवर्नमेंट, ये सारे जो वर्क्स है, रोल है, दीज आर द रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो ये रोल ऑफ गवर्नमेंट किस तरह से प्ले करते हैं, ठीक है, और आप इस तरह से
अलग अलग जो भी गवर्नमेंट्स के वर्क है यहाँ पे आप जो कौन कौन से हेडिंग्स आते हैं वो भी आप देख सकते हो, इसके थ्रू आप गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, देखो गवर्नमेंट क्या क्या जॉब करती है, फिर जो हमें इजीली अंडरस्टैंड कर सकते वो, जैसे बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना है, पीसफुल रिलेशन मेंटेन करना है अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, ठीक है, एंश्योरिंग इनफ टू ईट, इतना प्रोडक्शन हमें करना है कि हमारी जो ज़रूरत है हमारे कंट्री के जितने भी लोग हैं उनको दो टाइम का खाना मिलना चाहिए, इतना फूड हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, मतलब प्रोडक्शन होना चाहिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होना चाहिए। जब आप हिस्ट्री पढ़ने लगोगे तो हमें पता है हम कहाँ से यानी खाना मंगाते थे, राइस वगैरह अमेरिका से एड आता था हमें, है ना, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन ही नहीं उतना होता था। तो हमने क्या किया, फिर प्लांट इकोनॉमी से हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया, और ग्रीन रिवॉल्यूशन से अभी इतना हमारा यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस है कि हम हमारा यानी बफर स्टॉक में रहता है और कहीं सड़ भी जाता है, और हम अदर कंट्री को एड भी देते, इतना हमारे पास अभी फ़िलहाल में। दो साल हम अगर एक साल कुछ कोई किसान ने अगर खाना भी नहीं ये किया यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हुआ तो भी हम क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते, इतना हमारे पास बफर स्टॉक में क्या होता है, राइस होता है या वीट होता है। इस तरह से ये गवर्नमेंट क्या करती है, यही गवर्नमेंट का रोल है, ये गवर्नमेंट के जॉब है। ठीक है, इंश्योरिंग इनफ टू ईट, हेल्थ फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना है, अगर कोई सुनामी आती है उसके लिए असिस्ट करना है, हेल्प करना है। ठीक है, कब कोई अगर कोई क्राइम करता है तो उसको क्या देना है, गवर्नमेंट को सजा दिलाना है। तो ये सारे रोल अभी वो कौन करेगा, कोर्ट करेगा, तो कोर्ट ऑल्सो द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वो भी एक गवर्नमेंट का पार्ट है, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट, सम रूल। ठीक है, अभी ये सारी चीज़ें जब हमें करनी है तो इसके लिए रूल चाहिए, सो सम रूल्स हैव टू मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन। अभी ये सारी चीज़ें अगर गवर्नमेंट को करनी है, कोई भी देश को चलाने के लिए हमें गवर्नमेंट चाहिए, तो उसी के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, रूल, जो कंट्री जिस आधार पर रन हो सके, राइट, और वो सबको ओबे भी करना पड़ेगा, सब लोगों को। दैट इज़ वाई सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री एंड सो पीपल कैन फील सिक्योर। ओके, गवर्नमेंट डू दिस ऑन द बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, टेकिंग द डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंटिंग दिस अमॉन्ग ऑल द पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी। तो जो भी गवर्नमेंट के जो रोल है उस रोल प्ले करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, रूल बनाती है, उस रूल को फॉलो करना होता है सब जितने भी लोग उस टेरिटरी में रहते हो। गवर्नमेंट ये जो रूल बना के इम्प्लीमेंट कराती है वो किसके बिहाफ में कराती है, ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल, है ना, सो गवर्नमेंट डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल, क्योंकि हम हमारे पास डेमोक्रेसी है इसीलिए। ओके, बाय एक्सरसाइजिंग किसके थ्रू, लीडरशिप क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं और उनको इंप्लीमेंट कराते हैं, किसके लिए, जितने भी लोग रहते हैं उनको अच्छा यानी रूल करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। अभी ये जो गवर्नमेंट है, जितनी भी हम टेरिटरी देखते हैं गवर्नमेंट के लेवल कहाँ कहाँ काम करती है ना, तो हमने गवर्नमेंट में भी सिंपल हम क्या पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज गवर्नमेंट क्या है एक, ओके, और सेकंड उसके रोल क्या है, इतना तो भी अंडरस्टैंड हो गया कि उसकी रोल कौन कौन से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन कौन सी है। ओके, जो हम जनरलाइज देख रहे हैं, अभी ये जो गवर्नमेंट हम जो देख रहे हैं ये कहाँ कहाँ होती है, तो गवर्नमेंट थ्री टायर लेवल पे वर्क करती है, या फिर हम उसको बोलते हैं लेवल ऑफ गवर्नमेंट, क्या बोलेंगे, लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट लेवल थ्री लेवल्स हैं, हमने इसके पहले भी पढ़ा है, कौन कौन सी थ्री लेवल्स हैं, स्टेट, नेशनल, स्टेट एंड लोकल, है ना, नेशनल, स्टेट एंड लोकल। देखो क्या क्या बोला, नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जितने भी अभी हमने फैक्ट देखे हैं वो सारे क्या क्या है, जितने भी मतलब हम न्यूज़पेपर की हेडलाइंस देख रहे हैं, लोगों को क्या करना है, सर्विसेज देना है,
कोई अगर नेचुरल कैलामिटीज आती है तो उसको रिस्पॉन्स कराना है, ये सारी चीज़ें ये गवर्नमेंट के रोल्स है, ये गवर्नमेंट का जॉब है। तो वही बोला है कि ये सारे जो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हम जो देख रहे हैं, डिफरेंट थिंग कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेज, अब ये सारी थिंग गवर्नमेंट किस तरह करती है, जो सारे जो वर्क प्ले है ये किस तरह से मैनेज करती है, ओके। और ये मैनेज करती है तीन लेवल पे, कितने, ऑल दोज आर वर्क्स आर वर्क एट अ डिफरेंट लेवल, कौन कौन से लेवल पे, एक होगा लोकल, सेकेंड होगा स्टेट और तीसरा होगा नेशनल। तो जितनी भी हम गवर्नमेंट्स के क्या बोल रहे हैं, जितना भी गवर्नमेंट के रोल्स एंड जॉब हम जो देख रहे हैं, जो भी रोल प्ले कर रही है गवर्नमेंट, तो सबसे पहले समझना है गवर्नमेंट कौन कौन सा रोल प्ले करती है। जो भी रोल प्ले कर रही है गवर्नमेंट कहाँ कहाँ करती है, ऑन द थ्री लेवल, कौन कौन से लेवल पे, एक नेशनल लेवल, सेकेंड स्टेट लेवल एंड थर्ड लोकल लेवल, और इसी को क्या कहते हैं हम, लेवल ऑफ गवर्नमेंट। समझ में आया, इसी को हम क्या करते हैं, लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो देर आर थ्री लेवल, तीन जगह पे गवर्नमेंट काम करती है, वर्क करती है या फंक्शंस करती है, ठीक है। तो फर्स्टली स्टेट, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल, ओके। अभी हम अगर लोकल लेवल को कौन कौन सा बोलेंगे, जो भी हमारा विलेज है, टाउन है, ऑलरेडी हमने समझाया था ये, ठीक है। लोकल लेवल मीन्स योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी। स्टेट लेवल मतलब जिस स्टेट में आप आते हो, ओके, एंड वुड मीन दैट विच कवर एन एंटायर स्टेट, लाइक हरियाणा का हो, महाराष्ट्र का हो, और नेशनल इंटायर कंट्री, नेशनल मतलब इंटायर कंट्री। तो अभी हम इसको देख सकते हैं इस तरह से, ये हमारा कंप्लीट टेरिटरी है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या है, ये सारे क्या है, ये सारे उत्तराखंड होगा, हिमाचल प्रदेश स्टेट है, राजस्थान है, हमारा महाराष्ट्र है, तो ये सबकी एक एक टेरिटरी है। तो इंटायर स्टेट जितनी भी बाउंड्री हमारा दिख रहा है, वो सारे बाउंड्री पे वर्क कौन करता है, कौन करेगा, सेंट्रल लेवल यानी नेशनल लेवल, क्या बोलेंगे हम, नेशनल लेवल, ओके। जितनी हमारी एंटायर कंट्री की जियोग्राफिकल एरिया है वहाँ पे कौन वर्क करेगा, नेशनल लेवल। दूसरा कौन सा है, स्टेट लेवल, और थर्ड कौन सा है, लोकल। अभी लोकल लेवल कहाँ करेगा, इसी स्टेट को हमने डिवाइड किस में किया है, फिर फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ हमने डिवाइड किया है डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट में क्या करेंगे, वर्क होगा, राइट। इस तरह से ये देखो, ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, ये हो गया हमारे यूनिट। तो ये सबसे छोटा यूनिट, ये कोई ना कोई, अब ये जैसे मध्य प्रदेश है, ये महाराष्ट्र है हमारा, दिखेगा नहीं वहाँ से, लेकिन ये हमारा है नागपुर, राइट। ये नागपुर है, ये वर्धा, ये चंद्रपुर, ये भंडारा, ये गोंदिया और ये गढ़चिरौली, ठीक है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक यूनिट एरिया है, उस एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन होगा लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट कहाँ काम करेगी, यहाँ पे काम करेगी लोकल गवर्नमेंट। अब समझ में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट काम करेगी। जितना भी हमारा इंटायर ये जो बाउंड्री है महाराष्ट्र की, यहाँ पे कौन वर्क करेगा, ये सेकेंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल, ठीक है, और इंटायर फिर कंट्री का नेशनल लेवल। तो उसी को हम क्या क्या कहते हैं, सेंट्रल या सेंटर, स्टेट एंड लोकल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। अब ये किस तरह से वर्क करती है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है लॉ। गवर्नमेंट चलाने के लिए क्या चाहिए, लॉ। तो लॉ एंड गवर्नमेंट के बीच का रिलेशनशिप देखते हैं। द गवर्नमेंट मेक लॉ, है ना, लॉ कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है, एंड एवरीवन हु लाइव इन द कंट्री हैज टू फॉलो। जितने भी लॉ बनेंगे उसको हर नागरिक को क्या करना पड़ेगा, जितने भी लोग उस टेरिटरी में रहते हैं, उस गवर्नमेंट के एरिया में रहते हैं, उनको अबाइड करना होगा, फॉलो करना पड़ेगा। दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन, मतलब यही एक तरीका है कि लॉ से ही गवर्नमेंट क्या करेगा, फंक्शन करेगा या रन करेगा। जैसे हमने बोला था, अगर कोई क्रिकेट है तो क्रिकेट खेलना है तो लॉ लगेंगे,
लॉ नहीं तो क्रिकेट प्ले नहीं कर सकते, और गवर्नमेंट इसी की तरह फंक्शंस करेगी। दिस इज द ओनली वे टू कैन फंक्शन, जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ टू पावर टू मेक डिसीजन। तो गवर्नमेंट को क्या क्या लगेंगे फिर? कुछ डिसीजंस लेने के लिए पावर्स लगेंगे, ठीक है। सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स इज डिसीजन, दोनों चीज़ों के लिए पावर्स लगेंगे, डिसीजन लेने के लिए भी और डिसीजन इन्फोर्स करने, क्या मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए। मैंने बोला कि यहाँ से नागपुर सिटी है, नागपुर सिटी को क्लीन करना है, तो क्लीन करने का डिसीजन भी लेना पड़ेगा और क्लीन करने के उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ के लिए क्या लगेंगे गवर्नमेंट को? कोई भी गवर्नमेंट को पावर्स लगेगा, कौन सा? डिसीजन लेने का, और जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कराने का, ठीक है। इसलिए क्या बोला है, दिस इज द ओनली वे टू गवर्नमेंट कैन फंक्शन, जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स इज डिसीजन, जो डिसीजन को इन्फोर्स कर सके। सो फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ लॉ दैट सेज दैट ऑल द पर्सन ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल, मतलब कि आपको सबको अगर किसी को भी ड्राइविंग करना है तो क्या लगेगा? लाइसेंस लगेगा। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? जेल जाना पड़ेगा। अगर आप लाइसेंस नहीं है और आप अगर चला रहे गाड़ी तो जेल जाना पड़ेगा। ये बात अलग है कि हम उसको एक गांधी जी का नोट दे देते और छूट जाते हैं, वो अलग चीज़ है, बराबर है ना? है ना, हमारे यहाँ लॉ सिर्फ कागज़ पे होता है, जब ज़रूरत पड़ती है तभी उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है ना। अभी जैसे इम्प्लीमेंट हो रहे कुछ लॉ, जैसे कि किसी ने एक स्टेटमेंट दे दिया इलेक्शन रैली में, डिफेमेशन केस लगाया, हाईएस्ट टू हाईएस्ट, है ना, अभी तक के हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं होगा, अंग्रेज़ों के काल में होता था कि ऐसे इस छोटी सी चीज़ के लिए हाईएस्ट टू हाईएस्ट क्या देना? सज़ा देना, बराबर है। तो इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ वो अलग चीज़ है, वो पॉलिटिकल चीज़ है। तो यहाँ तक समझे? नेक्स्ट, अभी आप इस तरह से अलग अलग एग्जाम्पल आप दे सकते हो, ओके। अभी नेक्स्ट क्या है? लॉ एंड गवर्नमेंट, ओके। इन एडिशन टू टेक एनी एक्शन दैट गवर्नमेंट कैन टेक, दिखेगा इतना, ओके। अभी लॉज एंड गवर्नमेंट में सिंपली है कि कोई भी डिसीजंस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिसीजन लेना पड़ेगा, डिसीजन को इन्फोर्समेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी जैसे हम अगर कोई डिसीजन, अभी गवर्नमेंट किसके लिए? बाय द पीपल, मतलब लोगों के लिए। अगर कोई डिसीजन हमें पसंद नहीं आया तो क्या करेंगे? अभी डिसीजन किसके लिए लिए गए ये गवर्नमेंट को आपको समझना है। बेसिक क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो हमने ही इम्पोर किया है, किसके लिए? हमारे खुद के लिए डिसीजंस लेने के लिए। और जो डिसीजन गवर्नमेंट लेगी उसको इन्फोर्समेंट करने का भी हमने क्या दिया है? उनको राइट दिया है। अगर सिर्फ डिसीजन लेंगे और इन्फोर्स नहीं करेंगे तो कोई मतलब है क्या? नहीं। लेकिन कोई भी डिसीजन अगर लेंगे गवर्नमेंट और वो हमारे हित में नहीं है, या कोई पर्संस को अगर उसको इफेक्ट हो रहा है तो क्या करेंगे फिर? तो डेमोक्रेसी में उसी को हम क्या करते हैं फिर? प्रोटेस्ट करते हैं, है ना। और प्रोटेस्ट के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। उसमें से एक तरीका, जो किसी को अगर कोई डिसीजन गवर्नमेंट की कोई भी एक्शन अगर पसंद नहीं है तो कार्टून में दिखा देते हैं, ओके। जैसे बाला साहेब ठाकरे दिखाते थे और आर के लक्ष्मण भी वैसे ही करते थे। और दूसरा तरीका है कि न्यूज़पेपर में उसको एक्सप्रेस करते थे न्यूज़पेपर के थ्रू और वो वॉइस बन जाता था, ओके। इस तरह से कोई लोग धरना देते हैं, कई बैठते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, कोई मार्च कैंडल निकालता है। तो कोई भी डिसीजन अगर गवर्नमेंट का लोगों को पसंद नहीं आया तो गवर्नमेंट के या लोगों के पास ऑप्शंस क्या है? गवर्नमेंट के अपोजिट में प्रोटेस्ट करना। अलग अलग मीडिया माध्यम से होते हैं, इसीलिए मीडिया एक एक्सप्रेशन का क्या है? एक साधन है। और दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इट द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो आगे में पिलर्स क्या होते हैं वो आपको डेमोक्रेसी के धीरे धीरे समझ में आएंगे, ठीक है। इन एडिशन टू एनी एक्शन दैट गवर्नमेंट कैन टेक देयर आर ऑल्सो स्टेप दैट पीपल कैन टेक, लोग भी कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, ठीक है, समझ गए। तो अभी ये जो हम जो गवर्नमेंट पढ़ रहे, सिंपली गवर्नमेंट में हम देख रहे कि गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है, गवर्नमेंट को डिसीजन लेने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कराना है। जो भी डिसीजन गवर्नमेंट लेगा ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल लेंगे, लोगों के लिए डिसीजंस लेंगे। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है
कितने टाइप्स की है? तो देर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, कौन कौन सी? एक है डेमोक्रेसी और सेकंड है मोनार्च, है ना, मोनार्ची, ठीक, क्या बोलती है उसको, मोनार्ची। तो कितने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है? दो, ओके, कौन कौन से? टाइप ऑफ गवर्नमेंट, अभी ये जो देखो स्टार्टिंग लिखा है, हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक अ डिसीजन एंड इन्फोर्स द लॉ, किसने दिया है? पीपल, ओके। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ गवर्नमेंट पे। अगर राजा अगर कोई गवर्नमेंट रन कर रहा है तो उसको उनको पावर लोगों ने दिया क्या? नहीं, हमने उनको इलेक्ट करके दिया क्या? नहीं। कैसे है फिर वो? बाय द हेरिडिटरी, बाय हेरिडिटरी, बरोबर, ठीक है। तो ये इसका आंसर देना है हमें टाइप ऑफ गवर्नमेंट से। तो डिपेंड करेगा कि देर इज अ इन अ डेमोक्रेसी, अगर हम डेमोक्रेसी एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे लोग गवर्नमेंट को पावर्स देंगे, ठीक है, कौन देंगे? पीपल। जहाँ पे लोगों के थ्रू गवर्नमेंट को पावर मिलेगा उसको बोलेंगे हम डेमोक्रेसी, और जहाँ पे लोगों के थ्रू पावर नहीं मिलेगा उसको बोलेंगे उसको मोनार्ची, है ना। तो सो देर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, देखो, हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर, दे डू दिस थ्रू द इलेक्शन। अभी डेमोक्रेसी में लोग गवर्नमेंट को डिसीजन लेने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या देती है? पावर्स देती है, और वो पावर्स किसके थ्रू जाती है, कौन से प्रोसेस से? बाय द थ्रू द इलेक्शन, इलेक्शन के थ्रू हम उसको पावर्स देंगे। क्या करते हैं उसमें? उसमें हम एक वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन, कोई एक पर्सन के लिए हम वोट करते हैं, और वो वोट करके उनको हम इलेक्ट करते, इलेक्ट करने के बाद वंस इलेक्टेड दीज पर्सन फ्रॉम द गवर्नमेंट, जितने भी अब हमारे कंस्टिट्यूएंसी जो है कितने हैं, 550 है ना, 552 ना, 450 नहीं नहीं 545, ठीक है, 545 में से जितने भी लोग हैं हम चुन के देते, इलेक्टेड होते हैं, और इलेक्टेड होने के बाद वो 545 जो मेंबर्स है वो क्या करते हैं, वहाँ से गवर्नमेंट बनाते हैं। दैट इज़ वाई वंस इलेक्टेड दीज पर्सन्स फॉर्म द गवर्नमेंट। इन द डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट डिसीजन। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्या है, आपको राइटिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, कि हम जिनको चुन के देते हैं वो लोग क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। तो प्रोसेस कैसे है डेमोक्रेसी की? डेमोक्रेसी मीन्स जहाँ पे गवर्नमेंट को काम करने के लिए हम चुन के लाते हैं बाय द इलेक्शन प्रोसेस। वंस दे इलेक्टेड, इलेक्टेड होने के बाद हम वो गवर्नमेंट बनाते हैं, और गवर्नमेंट बनने के बाद वो डिसीजंस लेते हैं और डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कराते हैं। सो एक सिंपल रोल प्ले में हम गवर्नमेंट को देख सकते हैं, है ना, देश के लिए, देश का वेलफेयर, दो वेलफेयर फॉर द वेलफेयर ऑफ नेशन, फॉर द वेल बीइंग ऑफ पीपल इन इंडिया और एनी कंट्री, कंट्री मेक अ गवर्नमेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। कौन सी फॉर्म की गवर्नमेंट? और दे मेक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दे फॉर्म द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा वो डेमोक्रेटिक वर्क करेगा फॉर द वेलबींग ऑफ नेशंस और स्टेट वेलफेयर के लिए, इसलिए वर्ड यूज होता है वेलफेयर ऑफ स्टेट। तो गवर्नमेंट की हमेशा एक्शंस होगी, तो एक्शन को गवर्नमेंट को क्या है फिर, इसीलिए क्या बोला है कि डेमोक्रेसी में किसके लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट को हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन। लोगों के लिए डिसीजन ले रहे तो गवर्नमेंट का उनके ऊपर बाइंडिंग है कि वो जो भी एक्शन लेंगे उनको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मतलब कल जाकर वो कोई देश को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, कोई स्टेट को डिवाइड कर रहे हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल रहे हैं, तो उनको उसका एक्सप्लेन देना पड़ेगा। जैसे अभी क्या चल रहा है सीन, कि नाउ अपोजिशन डिमांडिंग फॉर द PM विल स्पीक इन पार्लियामेंट, दे गिव द एक्सप्लेनेशंस ऑन द टॉपिक ऑफ ऑन द मैटर विच आर हैपनिंग इन द मणिपुर। मणिपुर में जो रिवर्स हो रहे है ना, दे आर सम नेक्ड वुमेन आर, है ना, वो आपको सब स्टोरी पता है ना, तो वो उसके लिए एक्सप्लेन मांग रही है। तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव डिमांड कर रहे हैं अपोजिशन पार्टी के,
है ना, अपोजिशन, जो भी अपोजिशन है गवर्नमेंट के अपोजिशंस में, अपोजिशन में है मतलब कौन है, दे आल्सो इलेक्टेड मेंबर, दे आल्सो रिप्रेजेंट द इंडिया, ओके है कि नहीं, वो हमारे ही बिहाफ में क्या कर रहे हैं, वहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि आप बोलो, आप बताओ कि वहाँ की जो एक्शंस आप ले रहे हो, आप वहाँ के सीएम को नहीं ये कर रहे हो, आप प्रेसिडेंट रूल नहीं लागू कर रहे, इफ़ रूलिंग पार्टी, नॉन रूलिंग पार्टी अगर स्टेट होता, वहाँ पे रूलिंग पार्टी का स्टेट यानी सीएम है, अगर रूलिंग पार्टी की गवर्नमेंट नहीं होती, नॉन रूलिंग पार्टी की होती, तो आप एक्शन लेते। सो यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मीनिंग हेल्दी अपोजिशन रहना भी उतना ही हमारे लिए क्या है, बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स आपको जब राइटिंग करते हो तो ये चीज़ आपको लिखना बहुत ज़रूरी होता है कि गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन, क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा एवरी एक्शंस को, और एवरी एक्शन को डिफेंड भी करना पड़ेगा एवरी डिसीजन को। जैसे कि अपोजिशन मांग रखती है कि जब नोटबंदी आपने लाए थे, डीमोनेटाइजेशन किया, तो आपकी जो एक्शन है उसको एक्सप्लेन करो, इसलिए कोर्ट में केस डाले थे, उससे क्या मिला, ओके okay, सो ऐसा नहीं है कि हमने डिसीजन ले लिया और हम एक्चुअली लोग उसको फील नहीं कर पाते या उसको कंसेप्ट को समझ नहीं रहे कि डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है। डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है कि आपको जो भी आप एक्शंस लोगे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आपने डीमोनेटाइजेशन किया तो आपको उसको एक्सप्लेन करना है कि किसके लिए। तो इसलिए हर बार जो अपोजिशन क्या करती है, फिर ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, यही आपको राइटिंग का पार्ट है कि अपोजिशन हमेशा क्या पूछती है कि आपने डीमोनेटाइजेशन जब किया था तो आपने क्या बोला था कि ये होगा, है ना, टेररिज्म कम होगा, ब्लैक मनी कम होगा, ओके तो जब वो आपने एक्सप्लेन किया था कि ये एक्शन को आपने एक्सप्लेन किया था, अब वो आपका एक्शन के जो आपने एक्सप्लेन किया था कि ये चीज़ होगा, अब वो नहीं हो रही तो आप उसको डिफेंड करो, आप उसको बताओ कि क्यों नहीं हो रही है। एक तो आपका डिसीजन गलत है, ये आप स्वीकार करो, या फिर उसको डिफेंड करो कि ये क्यों हुआ है। सो डेमोक्रेसी में जो अपोजिशंस कभी भी जो मुद्दे उठाते हैं, इट इज़ फॉर द हेल्दी डेमोक्रेसी, इट इज़ नीड ऑफ द हेल्दी, क्या है, अपनी हेल्दी डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेटिक कंट्री की ज़रूरत है कि हमेशा कोई भी स्टेट में, कोई भी नेशंस में हेल्दी क्या होना चाहिए, अपोजिशन भी होना चाहिए, तभी डेमोक्रेसी रन होगी। और यहाँ पे बेसिक पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि एवरी एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एक्सप्लेन इट एंड डिफेंड इट्स डिसीजन, ओके तो ध्यान में रहेगा। चलो अनादर फॉर्म, दूसरा फॉर्म देखते हैं, मोनार्ची, क्या डिफरेंस है, इट इज़ वेरी सिंपल, ये है उसका कि मोनार्ची किसको कहेंगे, जिसमें पीपल, लोगों ने चुन के ही नहीं दिया है, तो देर इज़ अ नो रोल प्ले ऑफ एनी पीपल इन दैट कंट्री इन द गिविंग द पावर टू गवर्नमेंट फॉर टेकिंग डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंटिंग इट, ओके तो देखो अनादर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द मोनार्च, इन द मोनार्च किंग होता है या क्वीन होता है, ओके हैज द पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट्स, ठीक है। द मोनार्च में हैव अ स्मॉल ग्रुप, किसी किसके पास होता है, मोनार्च के पास, जिसमें पावर लेने का जो डिसीजन है किसके पास है, किंग के पास, राजा या रानी के पास, ठीक है। ये क्या होता है, एक स्मॉल ग्रुप होता है, जो भी उसके आसपास के लोग हैं, मंत्रिमंडल बोलो उसको, स्मॉल ग्रुप ऑफ द पीपल डिस्कस द मैटर बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद द मोनार्च। हम वो राजा के मंत्रिमंडल में सब बोलते हैं, नवरत्न होते हैं, मतलब नव रत्न मतलब मंत्रीज, है ना, वो मंत्रीज अलग अलग क्या देते हैं, सजेशन देते कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, बट अंतिम में राजा निर्णय लेता है ना। वो सब ने हाँ बोला होगा तो भी वो ना का डिसीजन ले सकता है, डेमोक्रेसी में वैसे होगा क्या, नहीं, संसद ने बोला, पार्लियामेंट ने बोला तो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से अगर कोई बिल पास कर रहे और बिल पास जब होगा वोटिंग के लिए, जब पार्लियामेंट में आएगा तब अगर बोलेंगे कि ये मंजूर नहीं है, तो हाँ आधे से ज़्यादा लोगों ने अगर कोई बिल पे नामंजूरी दे दी तो वो बिल वैसे ही फेल हो जाएगा। जैसे अभी कौन सा डिमांड चल रहा है, कौन से बिल के लिए, एक यूसीसी का बिल आएगा, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ओके, और दूसरा एक बिल है अध्यादेश, ऑर्डिनेंस,
ऑर्डिनेंस पता है? नाम सुना है ऑर्डिनेंस का? नहीं सुना है क्या? सुना है ना क्या होता है ऑर्डिनेंस? ऑर्डिनेंस पता है ना? अभी फिलहाल में वर्ड आ रहा है कि नहीं? ये न्यूज़ में आम आदमी पार्टी दिल्ली में क्या कर रही है? इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ धरना दे रही है गवर्नमेंट, है ना? दिल्ली की पॉलिटिक्स क्या है? दिल्ली एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी, इट इज़ नॉट द फुल स्टेट। लेकिन हम जब एडॉप्ट किए कि हमारा देश डेमोक्रेटिक होगा, तो और हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी एडॉप्ट किया है, तो कोई भी राज्य का शासन किनके द्वारा होना चाहिए? लोगों द्वारा। कुना किसके द्वारा? लोगों के थ्रू शासन होना चाहिए। गवर्निंग किसके थ्रू होना चाहिए? बाय द पीपल। तो दिल्ली पहले यूटी थी, क्या थी? यूनियन टेरिटरी। अभी दिल्ली की पॉपुलेशन क्या होगी? 1 मिलियन से अबो, 10 है ना? ओके, कितना करोड़ में होगी ना दिल्ली की पॉपुलेशन? करोड़ में ही है। ओके, तो अगर करोड़ में अगर उसकी पॉपुलेशन है दिल्ली की, नागपुर की तो 10-12 लाख से ऊपर होगी, 10-15 लाख या 25 लाख तक नागपुर की पॉपुलेशन होगी, राइट? तो ये जो दिल्ली की टेरिटरी है, पहले यूटी रहता था, तो यूटी में नायब राज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता था वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड और गवर्निंग हेड होता था, तो वो चलाता। लेकिन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना, उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बोलते हैं, नवाब, है ना? तो वो इलेक्टेड है क्या? नहीं, ही इज़ अपॉइंटेड। तो यहाँ पे जितने लोग क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, उनको भी राइट है कि वो लोग क्या करें, गवर्न करें। उसके लिए दिल्ली में फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, एक लाइक अ स्टेट, यहाँ पे भी सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, ऐसा ही किया। तो इसलिए दिल्ली को स्टेट ना रहते हुए भी वहाँ पे क्या है, रूल करने के लिए चीफ मिनिस्टर है और उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है? और उसके थ्रू उनको फुल स्टेट का दर्जा न देने की वजह से, नॉट गिविंग द फुल स्टेट, स्टेटस ऑफ फुल स्टेट, जब कॉन्स्टिट्यूशंस में फुल स्टेट का जब क्या मिलता है, स्टैंड मिलता है, उस वक्त कंप्लीट जो पावर्स निकल के आती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आती है ना? सीएम का अपॉइंटमेंट, सारे लॉ एंड ऑर्डर के सब्जेक्ट है, वो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट के पास आ जाता है। अभी वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस जो है वो किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सम पावर डेलीगेट कर दिया दिल्ली को, कि भैया लॉ एंड ऑर्डर, लैंड, ठीक है, ये छोड़कर जितने भी अदर पोर्शंस है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पानी, ये सारे आप देखो, रोड से लेकर सारे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास रहेगा, लैंड हमारे पास रहेगा, और एक सब्जेक्ट है, ठीक है, वो सब्जेक्ट छोड़कर सारा आप कुछ भी, आप लॉ भी बना सकते हो, कानून भी बना सकते हो और उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। तो इनडायरेक्टली पूरी गवर्नमेंट रन करने का उनको क्या किया, पावर्स दे दी। जब उनको रन करने का गवर्नमेंट ने, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके सब पावर्स दे दिए, तो इसका मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो भी सरकारी है लोग, डिपार्टमेंट के, उनके भी अपॉइंटमेंट से लेकर सारे रोल उनके तरफ आ गए। लेकिन दिल्ली का मैटर क्या हुआ, जैसे ही आम आदमी गवर्नमेंट की गवर्नमेंट आई वहाँ पे, मोदी गवर्नमेंट ने, मतलब एनडीए गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है और जो भी डिसीजन जाएगा उसके ऊपर, हमने बोला है कोई भी डिसीजंस किसकी साइन लगेगी, यूनियन है तो प्रेसिडेंट, स्टेट है तो गवर्नर, और वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है तो उनकी साइन लगेगी, तो साइन के लिए जाते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक जितने भी ऐसे सर्विसेज है उनके ऊपर सब अपना पावर्स ला लिए, मतलब दिल्ली चीफ कुछ भी अगर ऐसे कुछ साइन करे, ऐसे कोई लॉ बनाए, तो उसको साइन नहीं करने का, नहीं करने का मतलब वो तुम्हारा पावर नहीं है। और इसके वजह से एक ऑर्डिनेंस लाया था, उसको दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले उसके लिए कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में गए, 5 to 6 years से वो लोग इस केस को लड़े, और फिर 3 bench जजमेंट दे आया, 3 judges ने जजमेंट दिया कि वहाँ पे लोग को ने चुनी हुई सरकार है, देर इज़ अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, है ना? जो गवर्नमेंट है इट इज़ इलेक्टेड गवर्नमेंट बाय द पीपल, सो ऑल द पावर्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लैंड रिकॉर्ड एंड पुलिस का जो है ना, लॉ एंड ऑर्डर का छोड़कर सारी जो वाटर डिपार्टमेंट हो, म्यूनसिपैलिटी, जो सब डिसीजन है वो
इलेक्टेड लोगों के हाथ में होना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविज़न दिया है उसके अकॉर्डिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड लैंड रिकॉर्ड छोड़कर सारे डिसीजंस सीएम ले सकते हैं। मतलब कौन ले सकते हैं? दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ले सकते हैं। जैसे ये डिसीजन आया, अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट ने जितने जितने चीफ सेक्रेटरीज थे हर डिपार्टमेंट के, जो काम नहीं कर रहे थे प्रॉपरली या कुछ भी हो, उनको सबका ट्रांसफ़र के ऑर्डर निकाले। जैसे ही ट्रांसफ़र के ऑर्डर निकाले, नायब राज्यपाल ने वो साइन नहीं किए और सेंट्रल गवर्नमेंट ने तुरंत एक ऑर्डिनेंस पास किया। ऑर्डिनेंस पास करना, ऑर्डिनेंस मीनिंग जब हमारी संसद किस में नहीं होती है, वो सीजन्स यानी सेशन में नहीं होती है ना, पार्लियामेंटरी सेशन में नहीं होती है, अधिवेशन नहीं होता, उस वक्त एक इमरजेंसी प्रोविजंस किया है तत्काल प्रभाव से लॉ बनाने के लिए। अभी सब लोगों के तो एक साथ बुलाएंगे नहीं, हमारी संसद दो ही बार आती है ना, संसद के अधिवेशन कितनी बार आती है साल में? दो बार। इसीलिए हम कौन से सेशन बोलते हैं? एक विंटर और एक समर, नहीं नहीं मानसून एंड विंटर, है ना, समर नहीं होते, समर में नहीं, विंटर एंड मानसून। तो अभी मानसून सेशन चालू है हमारा, है ना, वो 14 तक रहेगा, 14 अगस्त या 13 अगस्त तक, ठीक है। तो ये कम से कम कितना पीरियड होता है? एक 15 डेज या 1 मंथ बहुत हो गए, है ना। तो 1 मंथ के अलावा और 5 मंथ्स गैप होती है और फिर 1 मंथ आएगा, तो साल में 2 मंथ्स ही सेशन रहेगा और उसी वक्त जो भी लॉ पास करना है वो पास करना होता है। लेकिन जिस वक्त सेशन में नहीं है उस वक्त के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? पार्लियामेंट को एक गवर्नमेंट को ऐसा लॉ करने की एक इमरजेंसी प्रोविजन है, उसी को बोलते हैं हम ऑर्डिनेंस। इट लाइक अ एक्ट, लॉ के ही बराबर है, लेकिन इसको जिस दिन उसको ऑर्डिनेंस लाया है उसको 6 महीने के अंदर, यानी जब भी सेशन आएगा पार्लियामेंटरी सेशन, उसमें उसको एज अ लॉ पास करना होगा। तभी ऑर्डिनेंस बजट में यानी अपने सेशन में आएगा पार्लियामेंट में और उसके ऊपर वोटिंग होगा। और इसलिए अरविंद केजरीवाल की एक्टिविटी आप देख रहे हो, ये राज्य से मिल रहे, वो सीएम से मिल रहे, ताकि उस ऑर्डिनेंस के अपोजिट में क्या कर सके वर्क। तो ये सीन बताने का इसलिए है कि आपको जितने भी ऐसे जो भी न्यूज़पेपर में आते हैं न्यूजेस, तो उसको आप जीएस से कनेक्ट कर यानी कर सके और वो टॉपिक को समझ सके, ठीक है। तो ये मैटर है किसका? डेमोक्रेसी का। इसके ऊपर मेंस में जो क्वेश्चन आएगा रिगार्डिंग द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, है ना, मेंस में क्या आएगा? डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, कि अगर कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अगर वहाँ पे लोगों ने जो सीएम है वहाँ का बाय इलेक्टेड बाय द पीपल, और उसको अगर वो एरिया में जितनी भी उस टेरिटरी में जितनी भी सर्विस है, अगर उनको अधिकारियों को यानी ऑफिसर को ट्रांसफ़र करने का ऑर्डर नहीं रहेगा, तो वो इलेक्टेड पीपल के अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस कैसे कर पाएगा? हम अभी यहाँ पे एकनाथ शिंदे की सरकार है और यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है या कोई है, अकॉर्डिंग टू द जो इलेक्टेड मेंबर के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा तो डिसीजन इम्प्लीमेंट कैसे होगा, है ना, नहीं होगा तो उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो इस तरह से वो मैटर है। चलो आगे चलते हैं। तो ये समझ गए, अनलाइक द डेमोक्रेटी, इन द डेमोक्रेसी किंग एंड द क्वींस डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शंस एंड डिफेंड द डिसीजन दे टेक। तो सिंपल दो बेसिक डिवीजन है, डिसीजंस और इम्प्लीमेंटेशन पावर जो होता है डेमोक्रेसी में लोगों द्वारा आता है, और राजा को मोनार्ची में ये पावर्स लोगों द्वारा नहीं आता। दूसरा, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को हर एक्शन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डिफेंड करना पड़ेगा डिसीजन को, मोनार्ची को ऐसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी ये मोनार्ची भी 2 टाइप्स की होती है ना, डेमोक्रेसी भी 2 टाइप्स की होती है, फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो हम आगे में देखेंगे, पहले एनसीईआरटी को ही समझते आज। चलो ठीक है, हो गया। ये तो ये ऐसे ही लिखा है, फिर चलो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हुआ हमारा। अभी ये आपको ये डिस्कस करना है, देखो क्या क्या चीज़ दी है डिस्कस में, ये आपको राइटिंग के लिए हेल्पफुल होगा। क्या क्या दिया है? पहला, डू यू थिंक इट इज़ अ इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू बी इन्वॉल्व इन द डिसीजन दैट अफेक्ट देम, क्या आपके लिए सही है? हाँ सही है क्या? नहीं समझा? डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू बी इन्वॉल्व इन डिसीजन दैट अफेक्ट देम, जो भी डिसीजंस आपको अफेक्ट कर रहे हैं उनमें डिसीजन मेकर्स में पीपल का होना
सही है या गलत है? आपको क्या लगता है कैसे गलत है? डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पीपल, लोगों के लिए क्या ये महत्वपूर्ण है टू बी इन्वॉल्व इन द डिसीजन, डिसीजन में समावेश रहना, दैट इफेक्ट देम, उन लोगों को परिणाम अगर करने वाली चीज़ है तो उनमें पीपल का होना, लोगों का होना ज़रूरी है यानी महत्वपूर्ण है या नहीं है? जो डिसीजन लोगों को, अभी हिंदी में इस तरह से होगा, जो डिसीजन लोगों को इफेक्ट कर रहे हैं उन लोगों का डिसीजन मेकर मेकिंग में रहना ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है या नहीं है? क्यों है? आप लिखे गिव टू रीजन्स फॉर योर आंसर, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो सबसे पहले तो आप इम्प्रूव करो खुद को कि जो क्वेश्चंस है वो समझ में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो आगे की प्रोसीजर गुल। अब ये सिंपली क्वेश्चंस लिखा है हाँ, लेकिन हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो दो बताओ बरा, आप ही बताओ। चलो टू रीज़न बताओ मुझे कि उस डिसीजन में आपको रहना क्यों ज़रूरी है। ओके गलत है। दूसरा हाँ गलत फैसला ऐसे बोल सकते। ओके डिमोनेटाइजेशन का थोड़ा सा अलग है, लेकिन हम कोई भी लॉ पास करते हैं तो उसमें लोगों की राय लेना बहुत ज़रूरी है। देखो अल्टीमेटली जो भी डिसीजन अगर मेरे लिए लिया जा रहा है, हम अभी उसको बाइफर्गेट करेंगे कि एक रूरल रीजन है, एक गांव है और एक नागपुर शहर है। ओके तो अभी अगर डिसीजन गांव के लिए लिया जा रहा है तो गांव वहाँ के जो लॉ बनाया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा उनके बारे में, उसका इफेक्टेड एरिया कौन रहेगा, कौन होगा? उस गाँव के लोग, राइट। अगर वही डिसीजन में नहीं रहेंगे तो उनके लिए क्या सही है क्या गलत है वो लोग जानेंगे, या नागपुर के लोगों को पता रहेगा कि उन लोगों की क्या समस्याएं हैं? तो पहला तो रीज़न यही है कि अगर कोई भी डिसीजन उन्हीं को इफेक्ट कर रहा है तो उन्हीं को पता है कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, वो क्या सफ़र कर रहे हैं। अगर वही वहाँ पे डिसीजन मेकर में नहीं रहेंगे तो जो डिसीजन लिया जाएगा वो उनके हित में नहीं हो सकता है ना। सेकेंड, अगर वो डिसीजन में कुछ कुछ भी अगर गलत हुआ तो उसका इनडायरेक्टली इफेक्ट, डायरेक्टली इफेक्ट किनको होगा? उन लोगों को होगा। तो ये दो रीज़न हम दे सकते हैं। तीसरा, उन लोगों को अच्छे से पता है कि उनकी समस्याएं क्या है, बिकॉज एवरी जियोग्राफिकल रीजन हैविंग और फेसेस द डिफरेंट प्रॉब्लम्स। हर जियोग्राफिकल कंडीशन में, हर लोकेशन में अलग अलग समस्याएँ हैं। मेरे गाँव की समस्या अलग है, नागपुर की समस्याएं अलग है, यहाँ पे हमारी समस्या क्या है ना, रोड बराबर नहीं है, बारिश आ रही है और सैनिटेशन बराबर नहीं है, हमारी कचरा उठाने वाली गाड़ी रोज़ आती नहीं है तो दिन में हमारे घर का कचरा क्या होता है, स्मेल करता है, तो सैनिटेशन बराबर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये समस्याएं के बारे में जो डिसीजन हमें लेना है, अगर ये बाहर का कोई पर्सन लेगा तो वो समझ में आए। तो इस तरह से हर सारे डिसीजन को आप क्रिटिसाइज कर सकते। Which type of government would you prefer to have in the place you live in? आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे किस टाइप की गवर्नमेंट है और क्यों है, आप कौन सी गवर्नमेंट को प्रीफर करोगे, डेमोक्रेसी को या मोनार्ची को? डेमोक्रेसी को। तो क्यों? सिंपल, वो डिस्कशन का पार्ट है, ठीक है, कि नाम की डेमोक्रेसी हमारे यहाँ किस तरह से है ना, तो उसको हम अलग दिन में डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी में। थर्ड, विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज करेक्ट दो सेंटेंस दैट यू थिंक नीड करेक्शन। तो ऐसे जो एनसीईआरटी की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ है वो आप पढ़ सकते हो है ना, जैसे इन अ मोनार्ची द कंट्रीज सिटीजन्स आर अलाउड टू इलेक्ट हुमेवर दे वॉन्ट, कर सकता है क्या? नहीं, मोनार्ची में कर सकते हैं क्या? हाँ। इन अ डेमोक्रेसी अ किंग हैज़ एब्सोल्यूट पावर टू रूल द कंट्री। ओके, सो एब्सोल्यूट, इन अ डेमोक्रेसी एब्सोल्यूट पावर किसको है? किंग को है क्या? नहीं, जो लोगों ने गवर्नमेंट का हेड चुना है उसको एब्सोल्यूट पावर दिया गया है, लेकिन पूरा एब्सोल्यूट पावर है क्या? नहीं, उसके ऊपर पार्लियामेंटरी क्या है, कंट्रोल है, वो हम पढ़ेंगे बाद में।
तो इस तरह से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो ये वाला, ये न्यूज़ आपने पढ़ी है, ये आप पढ़ो कि जितना भी हम डेमोक्रेसी में बोल रहे हैं कि हम लोग चुन के देंगे, तो लोग इलेक्ट करके देंगे, तो किन कौन कौन से लोग वोट करेंगे, है ना, कौन कौन से लोग वोट करेंगे, किस किस को अधिकार होगा, है ना, किन किन को पावर होगा, राइट्स होगा, हम उसको बोलेंगे राइट, राइट टू वोट। इंडिया ऐसा कंट्री है जिन्होंने 1947 में सब, है ना, एडल्ट यूनिवर्सल, जो एडल्ट सरफेस बोलते हैं हम, है ना, हाँ, एडल्ट फ्रेंचाइजिंग हम सबको दिए है, अबो 18 ईयर्स, 18 साल के ऊपर जिनको भी है, हमने जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई, तब एडल्ट फ्रेंचाइजी थी क्या, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी थी क्या, नहीं था। तो किन लोगों को मिला था, उन लोगों को मिला था जिनके पास पैसा था, तो वोटिंग राइट्स इट शुड दैट टाइम वॉज कैसी थी, लिमिटेड वोटिंग पावर था। इवन दो अमेरिका, इंग्लैंड, यहाँ पे भी लोगों ने क्या किया, उसके रिवोल्ट कराया, मतलब प्रोटेस्ट किया, तब जाकर उनको राइट्स मिले वोटिंग के। तो ये चीज़ वही बताती है, नो नाउ एवर इन द वर्ल्ड हैव अ गवर्नमेंट विलिंगली शेयर द पावर, है ना। तो बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट है, कंट्रीज है, जो पावर शेयर करने के लिए रेडी नहीं होते। ऑल ओवर यूरोप एंड यूएसए वुमेन, किन किन को पावर नहीं था पहले देखो, वुमेन पुअर हैड टू फॉट फॉर द पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट। देखो अभी वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं पार्टिसिपेशन, तो अभी हम जब बोल रहे हैं कि हम डिसीजंस लेने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए पावर दे रहे हैं, और उसके लिए हम क्या प्रोसीजर कर रहे हैं, हम खुद इलेक्ट कर रहे हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव, सो दैट मीन्स वी आर इनडायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन द गवर्नमेंट, समझ गया। तो ये कीवर्ड्स है आपके पॉलिटिके कीवर्ड्स, ये है कौन से, पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट, है ना, पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट आपका है या नहीं है, है, किस फॉर्म में है, इन द इनडायरेक्ट फॉर्म, बिकॉज ऑल ओवर नियर अबाउट इन द इंडिया देर आर 120 करोड़, उससे ज़्यादा अभी 130-140 करोड़ क्या है, पॉपुलेशन है, तो सब लोग तो एक साथ बैठ के डिसीजन नहीं ले सकते, तो दैट इज वी आर इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेसी बाय द थ्रू द इलेक्शन, है ना, थ्रू द इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो अभी जो जिनको पार्टिसिपेशन देना है वो नैरो है या वाइड है ये देखना पड़ेगा, है ना। तो गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो हमारा जो पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट है वो कैसा है, एडल्ट फ्रेंचाइज है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, मतलब 18 अबोव द 18 ईयर, पहले 21 था, फिर 18 किया अभी, है ना। तो 18 होने की वजह से 18 अबोव जितनी भी हमारा पॉपुलेशन है सबको राइट्स है, मतलब मैक्सिमम कितना, 18 का पहले कितनी पॉपुलेशन होगी हमारी, 30%, तो अबोव 70% पीपल्स आर हैविंग पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट। जो डिसीजन मेकिंग है तो सबको मिला, ऐसा नहीं है कि हम कोई कास्ट बेस किसी को वोटिंग पावर नहीं दिए, जो पुअर है उनको नहीं दिए, वुमेन है उनको नहीं दिए, लेकिन वर्ल्ड में ऐसा नहीं था। वर्ल्ड में बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज पहले क्या नहीं था, सबको गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं था, मतलब क्या, मैं जब वर्ड यूज़ करूँगा कि सबको, ऑल द सिटीजन्स इन दैट कंट्री नॉट हैविंग राइट टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट, मतलब उनको वोटिंग पावर नहीं था, है ना, ठीक है। तो वोटिंग पावर, तो इसके लिए लोगों ने क्या किया, वुमेन सरफ्रेज मूवमेंट चला, कौन सा क्या चला, वुमेन सरफ्रेज मूवमेंट, ठीक है। और वो चलने के बाद नियर अबाउट कब, अमेरिका ने वुमन को यानी महिलाओं को कब ये दिया, 1920 में वोट करने का पावर दिया, लेकिन उनका रिवॉल्यूशन डेमोक्रेसी कब से स्टार्ट हुई है, 17 में, राइट। और इंग्लैंड ने 1928 ने। तो ये देखो, हम बेसिक चीज़ें एनसीईआरटी में पढ़ते नहीं है, तो हमें ये पढ़ोगे तो इजीली आपको सारी छोटी छोटी चीज़ें क्या मिलेगी, एनसीईआरटी थ्रू मिलेगी। यही चीज़ आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगी, मिलेगी क्या, दिया है क्या लक्ष्मीकांत में, दिया है क्या, नहीं दिया है,
जो छोटी छोटी चीज़ें बेसिक के वो सब यहाँ पे मिलेगी। चलो आगे बढ़ते अभी, ठीक है। हाँ, इंडिया के बारे में क्या था सीन था, जब हमने 1952 यानी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन होने के पहले जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई थी तब भी लिमिटेड वोटेड पावर था, है ना। वोटिंग पावर कैसा था, लिमिटेड था। किस तरह से था, तो जो पढ़े लिखे हैं और जिनके पास संपत्ति है, जो टैक्स भरते थे, क्या भरते थे, पेइंग द टैक्स, दैट पर्संस हैव ओनली हैविंग राइट टू वोट। तो हमारा इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कभी कभी क्या होता है, एक क्रिटिसाइज करते हैं कि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जब हमने बनाई तब वोटिंग पावर्स इतना कम था, तो जो लोग बैठे थे वो बहुत कम लोगों को रिप्रेजेंट करते थे। समझ में आया कंसेप्ट क्या है, क्यों बहुत कम लोगों को रिप्रेजेंट करते थे, वाई, बिकॉज दैट टाइम वोटिंग राइट्स आर ओनली लिमिटेड, और ओनली लिमिटेड टू द दैट पर्सन आर दैट पीपल, दोज हैविंग द प्रॉपर्टी और दोज पेइंग द टैक्स। सो ऑल नॉन ऑल द पुअर्स ऑल द वुमेन्स हैव डोंट हैव नॉट राइट टू वोट, है ना, वो वक्ता। तो इस तरह से हम अपनी डेमोक्रेसी की बात करते हैं। इसीलिए गांधी जी क्या लिखते, देखो, द रिप्रेजेंटेटिव मीट्स एंड मेक द डिसीजन फॉर द इंटायर पॉपुलेशन, दिस डे गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इट सेल्फ डेमोक्रेसी अनलेस इट अलाउज वॉट इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या वर्ड यूज करते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, क्या है, अरे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है बताओ, 18 साल के ऊपर सबको क्या मिलना, राइट टू वोट, मतलब वोटिंग पावर, है ना, मत देने का अधिकार, मतदान का अधिकार। सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, है ना। ये देखो यहाँ पे लिखा है डेमोक्रेटिक अनलेस इट ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक द डिसीजन फॉर द इंटायर इलेक्शन, दिस डे गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इट सेल्फ डेमोक्रेटिक अनलेस अलाउज वॉट इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इट मीन्स ऑल द एडल्ट इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट, है ना। तो सबको, जितने भी एडल्ट है, और हमारा एडल्ट एज क्या है, 18, तो 18 के अबोव सबको राइट्स मिलना चाहिए। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, कैन यू बिलीव दैट देर वॉज अ टाइम वेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड पुअर टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, है ना, पहले नहीं था, सबको वुमन को अलाउड नहीं था। इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म गवर्नमेंट्स अलाउड ओनली मेन हु ओन प्रॉपर्टी एंड दे वेयर एजुकेटेड, जो एजुकेटेड है, जो जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मतलब टैक्स पे कर रहे, वही, है ना, टू ओट। दिस मीन दैट वुमेन द पुअर, कौन कौन नहीं था पहले, वुमेन नहीं थे, पुअर लोग, गरीब लोग नहीं थे, जो प्रॉपर्टी नहीं है उनके पास उनको भी, और जो पढ़े लिखे नहीं है, अनएजुकेटेड है, इन सारों लोगों को वोटिंग से दूर रखा गया था। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब चुनी गई थी तो लिमिटेड वोटिंग राइट्स थे, और दैट इज़ वाई ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वी क्रिटिसाइज दैट, कि हमारे जो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो जो असेंबली थी, असेंबली के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं कि उस वक्त बहुत कम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोग रिप्रेजेंट करते थे, पूरा इंडिया का विल नहीं था, ऐसा भी बोलते हैं, लेकिन वो चलो। इसीलिए गांधी जी यंग इंडिया में क्या लिखते हैं, देखो गांधी जी 1931 लिखते हैं, देखो, है ना, क्या लिखते हैं, आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट अ मैन, ये कोट आप ऐसे लिखने के लिए यूज कर सकते हो, जब ऐसे डेमोक्रेटिक की वैल्यूज, है ना, जब कोई ऐसे एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछा जाएगा मेंस में, कि जिस जो रिलेट करता हो आपके वोटिंग राइट से, पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेसी में, ओके, तब ये ऐसे कोट आप यूज कर सकते हो कि गांधी जी ने क्या बोला था। गांधी जी ने लिखा है, आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट, जिनको पास पैसा है उनको वोट करने का अधिकार मिला, बट दैट मैन हु हैज़ अ गॉट कैरेक्टर, गॉट कैरेक्टर मतलब जिनको, जिनके पास सच्ची एबिलिटी हो, क्षमता हो, या जो जो सच्चाई है जिसमें, है ना, जो सोचने का अधिकार है, या जो सोच सकता है, उन लोगों को
बट दैट अ मैन हु हैज गॉट कैरेक्टर बट नो विल, कैरेक्टर है, सच्चाई है, अच्छा पर्सन है ना, अच्छे कैरेक्टर है, लेकिन क्या नहीं है उसके पास, पैसा नहीं है, अच्छी सोच रखता है, हम बोलेंगे अच्छी सोच रखता है कैरेक्टर मतलब, लेकिन क्या नहीं है, पैसा नहीं है, उसके पास पढ़ा लिखा नहीं है, इसके वजह से शुड हैव नो वोट, उसके पास यानी राइट नहीं है। और दैट अ मैन हु वर्क ऑनेस्टली, और जो ऐसे लोग जो काम पूरी श्रद्धा से करते हैं, ऑनेस्टली करते हैं, ऑनेस्टली बाय द स्वीट ऑफ हिज ब्रो, मतलब जो शरीर से जो घाम निकलता है ना ब्रो, ऑनेस्टली ब्रो अ डे इन एंड डे आउट शुड नॉट हैव द वोट फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग अ पुअर मैन, मतलब कि उनको राइट नहीं है जो दिन भर काम करते हैं, ऑनेस्टली काम करते हैं, लेकिन गरीब है और गरीब रहने के वजह से उनको, या गरीब रह के उन्होंने एक क्राइम किया है और उस क्राइम के वजह से उनको वोट करने का पावर नहीं मिल रहा है। तो ये यंग इंडिया में उस वक्त गांधी जी लिखते, तो सोचो गांधी जी की सोच क्या होगी, या फिर हमारे जो फ्रीडम फाइटर जिन्होंने क्या बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उनकी सोच। तो यूपीएससी पढ़ने का जो आपको, आपकी जो थिंकिंग है उसको आप, उस फिलोसॉफी को आपको पढ़ना है। जब आप इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ोगे है ना, और फ्रीडम मूवमेंट जब पढ़ोगे, और ख़ास करके बिपिन चंद्रा ज़रूर पढ़ना, कौन सी, क्योंकि सब लोग अभी अहिर पढ़ते हैं, लेकिन बिपिन चंद्रा के जो चंद्रशेखर यानी भगत सिंह है, उसके बाद में मोतीलाल नेहरू है, उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस है, जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल है, गांधी जी के कोट्स हैं, ये जब उनके स्टेटमेंट दिए हैं, कोट दिए हैं वहाँ पे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि वो लोग क्या सोचते थे, किस तरीके का भारत वो चाहते थे। दे सोशलिस्ट, ये वर्ड हमारे प्रीएम्बल में पहले नहीं था, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वो बाद में आया, लेकिन जब आप नेहरू की जब फिलोसॉफी पढ़ोगे, और जब उन्होंने क्या दिया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है जेल में, आप उसको अगर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से वो सोशलिस्ट के तरफ थे, इवन दो भगत सिंह एज अ सोशलिस्ट थे, ठीक है, ओके। चलो तो ये पार्ट है, इस तरह से एनसीईआरटी को हम फिनिश कर सकते हैं। चलो अभी आप इंडिया के बारे में एक्टिविटीज़ कर लेना, नेम ऑफ द नेबरिंग्स ऑफ इंडिया, तो समझ गया, ये हमारा क्रस्ट था गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट तीन फॉर्म में, गवर्नमेंट के रोल क्या है, प्ले क्या है, डेमोक्रेसी किस तरह से चलती है, और गवर्नमेंट किस तरह से वर्क करती है, ठीक है, ये एक्टिविटीज़ आप कर लो। इसके क्रक्स मिलेंगे, यानी पूरे शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे आपके, सारे पॉइंट्स ऐड किए उसमें, गवर्नमेंट क्या है। अभी हमने थ्री टायर्स देखे हैं ना, तो स्टेट लेवल पे, तो सबसे पहले हम देखते हैं लोकल लेवल से स्टार्ट करते हैं। कल हम कंफ्यूज हो रहे थे लोकल लेवल किस तरह से काम करता है, तो स्टेट ऑफ गवर्नमेंट में थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। एक है हम कहाँ कहाँ काम करती है गवर्नमेंट, नेशनल लेवल पे, होल इंटायर कंट्री, ध्यान में रहेगा अभी, स्टेट लेवल, इंटायर स्टेट बाउंड्री, ओके, एंड थर्ड लेवल इज लोकल लेवल। सो व्हाट इज मीन बाय लोकल लेवल, तो हमने फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस हमने क्या किया है, जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन 2011 लिखा है, दिख रहा है ये, तो 2011 का ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है। तो इंडिया को एडमिनिस्ट्रेशन करने के पर्पज़ से हमने हमेशा बोला है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का यूनिट क्या है, डिस्ट्रिक्ट है ना, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे, हमारा बेसिक यूनिट कौन सा है, इंडिया को हमने एडमिनिस्ट्रेशन के यानी पर्पज़ से किस में डिवाइड करके रखा है, ज़िलों में डिवाइड किया है, और इन ज़िलों में हमारा क्या चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, ठीक है। और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये यूनिवर्सल, मतलब कंप्लीट इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया सेम है, इसलिए हमने ऑल इंडिया की सर्विसेज बनाई है, जिसको हम, कौन कौन सी ऑल इंडिया सर्विसेज है, चलो IAS, IPS, IFS, IFS मतलब नहीं,
IFS मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज 3 है, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग ये, इसीलिए कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का यूनिट का हेड मतलब IAS ही होता है, जिलों का कलेक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी जहाँ जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है इंडिया का सारा हेड, मेन हेड कौन रहेगा, IAS रहेगा, वो IAS ही नाम ही उसीलिए दिया है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS। दूसरा क्या है IPS इंडियन पुलिस सर्विस, ये भी ऑल इंडिया में सरीका रहेगा, तो पुलिस का हेड जो रहेगा वो IPS ही रहेगा, और ये किस लिए, एडमिनिस्ट्रेशन में सिमिलरिटी होनी चाहिए पूरी इंडिया में इसीलिए। और थर्ड क्या है IFS, तो IFS मतलब फॉरेस्ट या फॉरेन, फॉरेन वाले कितने, फॉरेन 1-2 और फॉरेस्ट IFO यस लिखता है उसको, IFS ही बोलते हैं लेकिन, है ना, IFS ही लिखते हैं, बहुत कम जगह आपको देखेगा IFOS, इंडियन फॉरेन सर्विस, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज है, कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप क्या करो, आप एक वर्क कर लो, UPSC का एक नोटिफिकेशन डाउनलोड करो 2023 का, और उसमें सारी सर्विसेज दी है, और कल बताओ कौन कौन सी सर्विसेज है। देखो हम छोटी छोटी चीज़ अपने लिए आप क्लैरिटी नहीं रखोगे, है ना, जो अभी आप नए हो आपको पता है ठीक है, और इसके अलावा कौन कौन सी UPSC थ्रू सर्विसेज होती है, दिल्ली के लिए होती है, टेरिटरीज के लिए होती है, इंजीनियरिंग अलग है, नहीं 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 मैं बोल रहा हूँ सिविल सर्विस एग्जाम थ्रू कौन कौन से सर्विसेज है, वो सेंट्रल सर्विसेज है, हाँ, तो और डानिस होता है, आप वो फॉर्म निकालवा नोटिफिकेशन और पढ़ना, वहाँ पे आपको कितनी सेंट्रल सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट होता है, उसमें IRS IAS सॉरी IRS, उसके बाद में इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस है, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस है, IRTS है, IRTS भी आती है ना, रेवेन्यू IRS तो पहले बोला, IRS रेवेन्यू सर्विस, वो तो टॉप मोस्ट सर्विस है अभी की, ED के डायरेक्टर ही वही होते हैं IRS वाले, तो सबसे अभी पावरफुल सर्विस कौन सी है फिलहाल में, दबदबा किसका है अभी, IRS वालों का है ना, तो अभी IRS के तरफ जाने का लोगों का जो कल यानी है पैसा वाला पार्ट है अभी सबसे ज़्यादा। चलो तो हम अपने पार्ट पर आ जाते हैं, तो सबसे लोवेस्ट जो है वो है पंचायत राज, तो स्टेट लेवल पे हमें देखना है अभी किसको पढ़ना है हमें आज, नेशनल स्टेट और लोकल, ठीक है, तो हम आज देखेंगे लोकल। देखो व्हाट हैपन्स आफ्टर द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, हाउ आर डिसीजन मेड, लेट्स लुक एट द लुक एट हाउ दिस टेक प्लेस इन द रूलर, तो हमारा जो रूलर एरिया है उसमें हम तो बोल रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं और गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है, तो आज ज़रा देखते हैं कि हमारे लोकल एरिया में किस तरह से गवर्नमेंट बनती है और किस तरह से चलाते हैं, ठीक है, वही ये डिसीजंस करते हैं लेते हैं, ठीक है, तो ये आपको ये चैप्टर पढ़ने से आपको लोकल लेवल पे किस तरह से गवर्नमेंट रन होती है आप इसका अंदाज़ा लेके क्या कर सकते हैं, सेंट्रल को समझ सकते हो। तो देर इज़ द ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, ये कई कुछ लोग हैं जो एक साइड में बैठे और कुछ लोग दूसरे साइड में बैठे, तो ये जो इट इज़ द स्पेशल डे टुडे एवरीवंस रशिंग टू गेट देयर ग्राम सभा, तो लोकल लेवल की जो सभा होती है वो विलेज में कन्वर्टेड है। तो ये समझने के पहले मैंने जो पुराना हमने पार्ट पढ़ा है वो एक बार आप देख लो, डिस्ट्रिक्ट आर डिवाइडेड इनटू, डिस्ट्रिक्ट का नीचे का यूनिट क्या है, ये भी 3-tier लेवल पे चलता है, मैंने कल भी बताया था, दीज आर ऑल्सो हैविंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो हैविंग द 3-tier सिस्टम, है ना, कौन सा, डिस्ट्रिक्ट मेन लेवल 3-tier, है ना, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी यानी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो ZP होगा, मैं लेवल बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक, दूसरा तालुका लेवल पे एक गवर्नमेंट वर्क करेगी, और तीसरा विलेज लेवल पे, ठीक है। तो हमने सेंट्र पहले कौन सा 3-tier बनाए, नेशनल स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट भी 3 लेवल पे है, कौन कौन सा, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, तालुका में एक गवर्नमेंट रहेगा और विलेज पे रहेगा, और कल हमने ये भी अच्छे से डिफाइन किया था कि डिस्ट्रिक्ट का भी कौन सा पार्ट होगा, रूरल पार्ट होगा, है ना, ये हुआ था कल, अर्बन,
ठीक है, तालुका में भी क्या रहेगा, रूलर और अर्बन, और विलेज में सिर्फ क्या रहेगा, रूलर ग्रामीण। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं, पंचायत राज देख रहे हैं। तो कल हमने ये भी पढ़ाया था कि रूलर जो हमारा एरिया है उसको जनरली हम क्या कहते हैं, PRI, पंचायत राज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंचायत राज। तो हम इसीलिए हमारे टॉपिक का नाम क्या है, देखो, लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलेगा, और सबसे पहला क्या है, पंचायत राज। लोकल गवर्नमेंट में हम क्या देख रहे हैं, पंचायत राज, मतलब हम रूरल डेवलपमेंट देख रहे हैं या रूरल एरिया का गवर्नमेंट देख रहे हैं। और रूरल एरिया का भी सबसे नीचे वाला सेक्टर कौन सा, गांव। तो गांव में किस तरह से गवर्नमेंट चलती है वो हमें देखना है। तो देखो, इस तरह से गांव के लोग बैठे हैं और यहाँ पे सारे लोग बैठे हैं। सो इट आज का दिन यहाँ पे आप पढ़ोगे तो आज का दिन बड़ा अच्छा है, बोलते हैं कि सब लोग भाग के जा रहे हैं कहीं मीटिंग में बैठने के लिए, और उसी को बोलते हैं ग्राम सभा। क्या बोलते हैं हम उसको, क्योंकि आज ग्राम सभा है। ग्राम मतलब गांव के लोग, और लोगों की जो सभा बढ़ती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्राम सभा। क्या बोलेंगे, ग्राम सभा। सो क्या ये एक यहाँ पे जो NCERT में डिस्क्रिप्शन आपको दिया है वो है हरदास विलेज का, है ना, द पीपल ऑफ हरदास वियर कीन टू फाइंड आउट देयर वे, न्यू पंचायत लीडर हैव प्लान्ड फॉर द विलेज। तो एक गांव में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विलेज में जो पंचायत होती है या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है, क्या बोलते हैं उसको, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। समझ में आया, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विलेज में बोलते हैं उसको ग्राम पंचायत। क्या बोलेंगे, ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत, ठीक है। और ये ग्राम पंचायत के लिए जिस तरह हम किसके लिए चुन के देते हैं लोगों को, नेशनल स्टेट पे, उसी तरह जितने भी गांव के लोग हैं उन सभी लोग क्या करते हैं, अपने गांव का गवर्नेंस करने के लिए, गांव चलाने के लिए, गांव में शासन करने के लिए एक गवर्नमेंट चूजते हैं। उस चुनी हुई गवर्नमेंट को हम ग्राम पंचायत बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ग्राम पंचायत। कौन क्या किसको इलेक्ट करेंगे, हम सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे पंच। तो देखो, हम इसको इस आसान भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं, ये अगर गांव की टेरिटरी है, इतना बड़ा गांव है एक, है ना, तो यहाँ पे कुछ कम्युनिटी रहती है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे, इस तरह से ये है कम्युनिटी। तो हमने एरिया को डिवाइड किया, इसको बोलते हैं वार्ड। क्या बोलेंगे हम, वार्ड। तो ऐसे कितने वार्ड बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। तो 7 वार्ड से हम 7 मेंबर चुन के लाएंगे, कितने, 7, उसको बोलेंगे हम वार्ड मेंबर। क्या बोलेंगे, वार्ड मेंबर। लेकिन ये हम वार्ड मेंबर जनरली अर्बन एरिया के लिए यूज़ करते हैं, तो ग्रामीण के लिए जब विलेज में चुना जाते हैं तो उनको बोलते हैं हम, एक वार्ड से क्या आएगा, पंच। क्या बोलते हैं उसको हम, पंच, PANCH। ये जितने भी पंच है जो अगर उस एरिया के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं, ओके, वो डिटेल में हम बाद में देखेंगे। तो 7 से लेकर 19 मेंबर तक ऐसे बॉडी बनती है ग्राम पंचायत की, ठीक है। तो सब लोगों को हम, ये एरिया के जितने लोग हैं ये कम्युनिटी के या इस वार्ड के, एक एरिया बोलेंगे ना उसको, वहाँ से एक पंच चुन के आएगा, यहाँ से एक पंच, और ये जो पंच है वो अपना एक सरपंच चुनेंगे। क्या चुनेंगे, सरपंच। तो हेड कौन हो गया गवर्नमेंट का, सरपंच, ठीक है। अभी महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्योंकि आप इस सिस्टम को किस तरह से रखें, इसका गवर्नमेंट ने थोड़ा सा भी चेंजेस किया है। और ये चेंजेस ये है कि इन गांव के लोग जो पंच चुनते थे, पहले पंच चुनेंगे, ठीक है। अभी एक गांव है, इनको एक एक जो मोहल्ला बोलेंगे हम उसको, वहाँ से इनको चुना, आपको चुना, आपको चुना, आपको चुना, आपको चुना, मुझे चुना, तो हम 7 लोग हो गए। फिर 7 लोगों में से आपने, हम आपस में बैठ कर डिसाइड किया कि मैं सरपंच बनूँगा, तो मैं बन गया यहाँ का सरपंच। अभी सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया, अभी डायरेक्ट इलेक्शन कर दिए, मतलब 7 वार्ड्स हैं, 7 मेंबर क्या होंगे, सिलेक्ट होंगे, और जितना पूरा जो गांव है सब गांव एक डायरेक्टली सरपंच को चुनेगा, है ना। तो अभी इसीलिए सरपंच का इलेक्शन कैसा हुआ, डायरेक्ट इलेक्शन, पहले कैसा था, इनडायरेक्ट। समझेगा, इनडायरेक्ट क्यों बोल रहे हैं,
बिकॉज ऑल द पंच इलेक्टेड और सिलेक्ट वन मेंबर फॉर गवर्निंग द ग्राम पंचायत और विलेज, फॉर द गवर्नमेंट ऑफ विलेज के लिए एक एक को चुनेगा आपस में। लेकिन अभी वो सिस्टम खोला ये करके हमने क्या किया, डायरेक्ट इलेक्शन ला लिए। उसके ड्रॉबैक भी है और उसके बेनिफिट भी आपको आगे में हम पढ़ेंगे। जैसे ये इट्स लाइक अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, समझ गए, इट्स लाइक अ, है ना। उससे क्या हो गया, इन पंच के पास पावर नहीं रह गया कि मुझे निकालने का, सो आई गॉट अ एब्सोल्यूट पावर टू रन द विलेज, समझ गए, है ना। और अभी विलेज में कौन खड़ा होगा, जो बाहुबली है। पूरे गांव में इलेक्शन कराना है तो पैसे लगेगा, है ना। फिर वो मेंबर ही खुद, अभी आप देखे नहीं हो लेकिन मैंने गांव की सिचुएशन देखा हूँ, तो मैं खुद जाता हूँ इलेक्शन करने के लिए, है ना, इलेक्शन देने के लिए, वोट देने के लिए। तो जिनके पास पैसा है वो अभी गांव का जो पावरफुल पर्सन है वो सरपंच बनता है, 5 साल पैसा कमाता है और दोबारा सरपंच बनता है। दैट इज़ द रियलिटी ऑफ द विलेज। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो मोटिव था, दैट मोटिव शुड बी कोलैप्स ड्यू टू द डायरेक्ट इलेक्शन। पहले क्या होता था, हर वार्ड से पंच इलेक्ट होता था, तो कोई भी पंच इलेक्ट हो सकता था अपने वार्ड से, क्योंकि अपने वार्ड में उसकी क्या होती थी, पहचान होती थी। जो अच्छा काम कर रहा है वो साथ में लेकर, 2-3 कम्युनिटी साथ में होकर, नहीं भाई तू इस बार तू खड़ा हो जा, तू विकास कर, है ना। तो ऐसे बोलकर वो पंच खड़ा होता था, वो पंच के पास राइट होता था कि सरपंचों को कुछ बोले कि भैया मेरे वार्ड में ये काम कर, नहीं करेगा तो मैं सपोर्ट नहीं दूंगा। तो ऐसे 10 पंच, 7 पंच एक साथ आए, उन्होंने बोला नहीं ये काम नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर क्या क्या ला सकते थे, अविश्वास। अभी क्या लाया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो उनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते थे। अब कर सकते क्या, नहीं, अब लिमिटेड, अब कर सकते लेकिन लिमिटेड पावर्स है, बहुत कम, ठीक है। स्पेशल ग्राउंड होना चाहिए तब जाके, और वो भी डिसीजन पंच ले लेंगे, उनके एक प्रोसीजर बनाएंगे, ये वो हम पढ़ेंगे बाद में। तो अभी देखो किस तरह से बना फिर हमारा, अभी ये जो गांव डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो गवर्नमेंट चलती है उसको क्या नाम दिया हमने, सबसे पहले बोलो क्या नाम बोलेंगे उसको, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। पहला लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कितने टायर पे है, 3 टायर, कैसी है, 3 टायर। टायर समझ में आएगा कौन कौन से, डिस्ट्रिक्ट, तालुका एंड विलेजेस। अभी वो रूलर वगैरह छोड़ दो, ठीक है, फिलहाल में विलेजेस। विलेज में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, चलो पटपट बताओ क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत में क्या करेंगे, फिर जो गांव के लोग हैं अलग अलग वार्ड से क्या करेंगे, अलग अलग मेंबर इलेक्ट करेंगे, है ना। तो इलेक्टेड किसको इलेक्ट करेंगे, पंच, ठीक है। अभी हम महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहे, तो हम डायरेक्टली जो जिस तरह से हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही जाएंगे, ठीक है। वो फिर देखेंगे कौन कौन से ने राज्यों ने किया है वैसा। तो हम डायरेक्टली क्या चुन के लाएंगे, लोग पंच चुनेंगे, और जो पंच चुनेंगे उनमें से एक क्या बनेगा, क्या बनेगा, सरपंच, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंच। तो पंच का जब तक विश्वास है तब तक वो क्या करेगा, रन करेगा गवर्नमेंट। सो हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज सरपंच, एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नेम इज पंचायत, ग्राम पंचायत, ओके। और ग्राम पंचायत इलेक्ट अमोंग देमसेल्स वन एज अ, एनी वन एज अ, इलेक्ट एज अ सरपंच, एंड सरपंच रन द गवर्नमेंट इन द विलेज, ओके। यहाँ तक ठीक है। अभी देखो यहाँ के लोग जो ये कंडीशन बताइए इस गांव की, सब लोग भाग रहे किसके लिए, तो गांव में क्या करने के लिए, ग्राम सभा है। तो ग्राम सभा क्या होती है, तो गांव का जो भी विकास, अभी हमने क्या बोले गवर्नमेंट के फॉर्म के लिए, कि डिसीजन लेना है और डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना है ना, डिसीजन लेना है गवर्नमेंट का काम और इम्प्लीमेंट करना है। तो गांव के जो भी डेवलपमेंट वर्क है, जो भी काम के लिए क्या करेंगे, डिसीजन कौन लेगा, पूरा गांव। अभी गांव के लोग लिमिटेड है, 1000-2000, तो आराम से जिनको एडल्ट फ्रेंचाइज जिनको है, वो लोग गांव का जो भी एक सामूहिक प्लेस है वहाँ पे सब लोग आते हैं, और उस गांव का डेवलपमेंट का जो भी बजट है, जो भी प्रोग्राम्स है, सारे प्रोग्राम्स ग्राम सभा में रखे जाते हैं। एक्चुअली वैसे होता नहीं, वो अलग बात है,
और उस वो एक ग्राम सभा कहलाती है। क्या सभा कहलाती है? ग्राम सभा। तो ग्राम सभा साल में कम से कम दो, है ना, एक 15 अगस्त को और दूसरी 26 जनवरी को, एक या फिर अक्टूबर महात्मा गांधी 26 जनवरी 15 अगस्त और एक महात्मा गांधी की, एक तो दो तो कंपलसरी होती है, और जब महात्मा गांधी की जो एनिवर्सरी है 2 अक्टूबर तब भी एक ग्राम सभा कंडक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्राम सभा प्रिंसिपल ये किसने किसका था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आर्टिकल 40 बाय द किसका ये ताविजन महात्मा गांधी का, तो उस तरह से वो ग्राम सभा भर रही है। अभी इस ग्राम सभा में आप जब नैरेट करोगे पूरा जब पढ़ोगे तो द ग्राम सभा मीटिंग बिगिंस विद द पंचायत प्रेसिडेंट। पंचायत प्रेसिडेंट का नाम क्या है? इट ऑल्सो कॉल्ड एज सरपंच है। क्या बोलते हैं उसको? सरपंच, है ना, पंचायत प्रेसिडेंट। तो लोअर विलेज इज द पंचायत, पंचायत प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। एंड मेंबर ऑफ द पंचायत, मेंबर ऑफ द पंचायत को क्या बोलते हैं? पंच। ओके, प्रेजेंटिंग द प्लान ऑन रिपेयरिंग द रोड दैट कनेक्ट द विलेज टू मेन हाईवे। आफ्टर दिस द डिस्कशंस मूव्स टू द सब्जेक्ट ऑफ वाटर एंड वाटर शॉर्टेज। तो एक ग्राम सभा भरी है गांव की, और उस ग्राम सभा में सरपंच आया है जो हम पिक्चर में देख रहे हैं, पंच आए हैं, और सब जो जिन्होंने वोटिंग करने का राइट्स है किसको, अबोव 18 ईयर्स पीपल, है ना, सिटीजन, सब आए हैं और चर्चा कर रहे हैं कि ये गांव से वो सड़क तक हमें क्या रोड चाहिए कनेक्ट करने के लिए, हमें गांव में शॉर्टेज है वाटर का, उसके ऊपर डिस्कशन करना है। और दूसरा क्या बोला है उन्होंने, आफ्टर द डिस्कशन मूव्स टू द सब्जेक्ट ऑफ वाटर एंड वाटर शॉर्टेज, इस तरह से। तो ग्राम सभा साल में दो से कम दो और मैक्सिमम कितना 4 होनी चाहिए। ग्राम सभा हैव्स द पावर, जितने भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं, बजट है, सब सैंक्शन कौन कराता है? ग्राम सभा के सामने सम्मत करना पड़ता है, और उसी के रिगार्डिंग ये जब आप नैरेशन करोगे तो आपको पता चलेगा। देखो, ग्राम सभा इज़ अ मीटिंग ऑफ ऑल द एडल्ट हु लाइव इन द एरिया कवर्ड बाय पंचायत, बराबर है। ओनली वन विलेज और फ्यू विलेज हो सकता है। इन सम स्टेट द एग्जाम्पल अबोव अ विलेज मीटिंग इज हेल्ड फॉर ईच विलेज, एक विलेज के लिए एक, या कई विलेज ऐसे कि दो तीन विलेज मिलके एक ही पंचायत होगा। एनी वन हु इज अबोव 18 ईयर्स ओल्ड और मोर एंड हु हैज़ अ राइट टू वोट इज अ मेम्बर ऑफ द ग्राम सभा। तो एक सिंपल सिंपल बात समझ में आएगी, ग्राम सभा होती है 2 से 4 तक। ग्राम सभा में मेंबर कौन होते हैं? उस गांव के जो भी नागरिक है जिनको क्या मिला है, वोट का अधिकार है, जिसका एज कितना होगा? अबोव 18 ईयर्स, राइट। अभी ये आप पढ़ोगे ना जब अच्छे से तो बहुत मज़ा आएगा आपको, किस तरह से लोग बात करते हैं, किस तरह से विलेज पंचायत चलती है, कौन कौन से बात पर वो डिस्कशन करते हैं, उसके राइट्स कैसे लेते हैं। ये पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि एक गांव में एक गवर्नमेंट कैसे चलती है। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ने का दिक्कत है अंडरस्टैंडिंग के लिए, सो प्लीज़ डाउनलोड हिंदी एंड फर्स्ट टाइम रीड इट एंड देन गो थ्रू द इंग्लिश। हमें क्या है, हमें समझना है चीज़ों को। हमें अगर चीज़ नहीं समझी तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखो, सो एवरी विलेज पंचायत, देखो विलेज को किस में डिवाइड करते हैं? विलेज पंचायत को वार्ड में, मतलब छोटे छोटे पार्ट, स्मॉलर एरिया। ईच वार्ड इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव, उसको क्या बोलते हैं हम? वार्ड मेंबर या फिर पंच। ऑल द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा इज आल्सो इलेक्ट अ सरपंच, जितने भी मेंबर्स है ग्राम सभा के इज द पंचायत प्रेसिडेंट, है ना, हु इज द पंचायत प्रेसिडेंट। द वार्ड पंच एंड द सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत, दोनों मिलके ग्राम पंचायत बनती है। द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर पास 5 ईयर्स, जिस तरह से लोकसभा हमारी होती है। ग्राम पंचायत हैज सेक्रेटरी, कौन होता है? कल बताया था मैंने, कौन होता है? सेक्रेटरी, हु इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा, ठीक है। दिस पर्सन इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन बट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, है ना। हम किसको अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट को भी अपॉइंट करते हैं एज अ गवर्नमेंट, गवर्नर को भी अपॉइंट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए हम डिस्ट्रिक्ट में किसको अपॉइंट करते हैं? कलेक्टर को। एमएनसी का
जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, उसमें भी हम कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं। उसी तरह जिला परिषद हो तो वहाँ पे भी हम सीओ को चीफ ऑफिसर, है ना, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वहाँ पे भी अपॉइंट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर को। अगर तालुका में नगर परिषद है ना, बराबर, तो वहाँ पे भी हम किसको अपॉइंट करते हैं, सीओ चीफ ऑफिसर को। अगर क्या है, पंचायत समिति है, तो वहाँ पे भी हम किसको अपॉइंट करते हैं पंचायत समिति को, तहसीलदार नहीं, पंचायत समिति सेक्रेटरी, पंचायत सभापति हेड हो गया इलेक्टेड का। पंचायत समिति में सेक्रेटरी ये कौन होता है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो वहाँ से एक चीफ होता है बीडीओ का। और गांव में आए तो विलेज में ग्राम पंचायत, और उसका सेक्रेटरी ग्राम सेवक, तलाठी नहीं, कलेक्टर, तहसीलदार, तलाठी, दीज आर द रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड तलाटी ऑल दी। तो यही चैप्टर में आपको एडमिनिस्ट्रेशन दिया है, ये गांव का रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलता है। तो लोकल गवर्नमेंट समझ में आया ये, क्योंकि आज छुट्टी ज़्यादा देर तक नहीं जाना है, फिर आप बोर हो जाते हो। क्या सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, देखो सीईओ अलग अलग ऑफिसेस के नाम को भी सीईओ देते हैं। अगर हम कंपनी का कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसको भी हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं। लेकिन जिला परिषद के जो भी चीफ होता है उसको हम सीईओ ही बोलते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डिपार्टमेंट का नहीं, वो सेक्रेटरी होता है। और डेप्यूटी सीईओ जो एमपीसी थ्रू सिलेक्ट होता है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करता है। नहीं, डिविजनल कमिश्नर किसको बोलते हैं, नहीं नहीं, ये नाम ही नहीं, जेपी जिला परिषद को हम डिविजनल, हम कमिश्नर, तुम जो बोल रहे हो वो कॉरपोरेशन की बात कर रहे हो। कॉरपोरेशन में कमिश्नर होता है, म्यूनसिपल कमिश्नर, ओके, और उसके सब डिवीजन होते हैं, उसको हम डिविजनल कमिश्नर बोलते हैं, जो एमपीसी थ्रू जाते हैं। वो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया, समझ में आया। अर्बन में कौन काम करता है, हमने कल बताया था, कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तुम्हारे के लिए घर में कचरा उठाने के लिए कौन आती है, एनएमसी, नागपुर महानगर पालिका कॉरपोरेशन। और जो जिला परिषद है उसका जिलाध्यक्ष होता है, है ना, जेटपी प्रेसिडेंट, आप जेटपी जिलाध्यक्ष वगैरह बोलते हैं आप उसको, बराबर है, आया, गॉट इट। और जो जिला परिषद का जो सेक्रेटरी रहेगा वो कौन रहेगा, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और जो उसके नीचे काम करने के लिए डिप्टी सीईओ चुना जाता है, वो सिलेक्ट होते हैं एमपीसी थ्रू। तो कलेक्टर के नीचे काम करने के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं डिप्टी कलेक्टर, डायरेक्ट राज्य सेवा की एग्जाम, स्टेट सर्विस। जिला परिषद के अंडर काम करने के लिए सीईओ के अंडर काम करने के लिए डिप्टी सीईओ, डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नगर पालिका, तालुका, इन सब में डायरेक्टली एमपीसी सिलेक्ट करती है, सीईओ हो गया चीफ ऑफिसर, तहसीलदार हो गया, पाँच मिनट, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो हम इस तरह से देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे ये आपको पढ़ना है, कल हरदास विलेज में किस तरह से वाटर पे लोग चर्चा करते, उसका क्या डिसीजन लेते हैं। दूसरा, किस तरह से वो बीपीएल लोग, कौन बीपीएल है कौन नहीं है, इसकी चर्चा करते, वो भी हम कल बात करेंगे, यानी नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। ये सारा अभी आप पढ़ना है, इसके शॉर्ट नोट्स भी मैं आपको मंडे को प्रिंट करा के दूंगा, सर से मैंने बात की है, तो आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी, जो भी मैं हमने गिट्स निकाले हैं इसके, ठीक है। ये ग्राम पंचायत देखो, ये जो आपको फ़ोटो दिख रहा है, ये फ़ोटो है ना द टू विलेजेस, विलेज पंच फ्रॉम द महाराष्ट्र हु वेयर अवार्डेड द नेशनल निर्मल ग्राम पुरस्कार इन 2005। जो अच्छा काम करता है उसको निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया जाता है, तो ये भी आपको पढ़ना है। ये आपको शॉर्टली दिया है, द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत कौन से, सोर्सेस ऑफ फंड कौन से उनको पंचायत के लिए, गवर्नमेंट को पैसा भी लगेगा ना, तो किस तरह से काम करती है ये भी। फिर ये गांव के देखो कंडीशन किस तरह से, स्कार्सिटी ऑफ वाटर है ना, और किस तरह, अभी ये उन्होंने बोला था ना एक पक्का रोड बांध यानी काम कराना है, तो हरदास विलेज में तीन मुद्दे थे, कौन सा, एक
हाईवे को रोड से कनेक्ट करना है तो गांव का गांव में क्या बांधना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, रोड बनाना पड़ेगा। दूसरा क्या था, वाटर, वाटर स्कार्स सिटी है तो वाटर और वाटर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना है, तो उनको उन्होंने उसको किस तरह से लोगों ने सॉल्व किया वो भी स्टोरी यहाँ पे बताइए, और उसी के वजह से आपको पता चलेगा कि किस तरह से वर्क होता है। तो थ्री लेवल ऑफ पंचायत फिर दिए आपको, थ्री लेवल कौन कौन सा, एक डिस्ट्रिक्ट पे और फिर तालुका में। देखो, आफ्टर रीडिंग अबाउट द हैपन इन द ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत इन द हरदास विलेज, यू कैन अंडरस्टैंड द पंचायत राज सिस्टम। पंचायत राज सिस्टम है ना, लोग रूरल गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं, पंचायत राज, क्या बोलेंगे, पंचायत राज, अर्बन गवर्नमेंट नहीं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कितना टाइप्स का है, फिर टू टाइप, एक अर्बन एंड एक रूरल गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे, पंचायत राज। ये सिस्टम दिमाग में ठीक कर लो, ये जब तक समझेगा आगे आगे धीरे धीरे सारी चीज़ क्लियर होते जाएंगी। देखो फिर क्या है, उसी को पंचायत राज सिस्टम बोलते हैं। इस पंचायत राज सिस्टम में किस तरह से, थ्रू विच पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज, द ग्राम पंचायत इज द फर्स्ट टायर, ठीक है, वो हमने आज देखा। और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, फर्स्ट लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा, आपका विलेज से, गांव से। द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर एंसरेबल टू द ग्राम सभा, ओके, बिकॉज इट इज द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा हु इलेक्टेड दे, जिन लोगों ने इलेक्टेड दिया किया है गांव के लोगों ने, पंच एंड सरपंच किसको आंसरेबल रहेंगे, उस गांव के लोगों को। उसी तरह नेशनल गवर्नमेंट में हमने किस किनको चुन को दिए गवर्नमेंट के लिए इलेक्ट करके दिए है, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ बैठते हैं, संसद में, और संसद में गवर्नमेंट कौन चलाता है, फिर संसद से जो लोग निकल के आते हैं, नरेंद्र मोदी एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो किसको आंसरेबल होंगे, फिर जो पार्लियामेंट में जो हमने लोगों को भेजा है उन लोगों को आंसरेबल होंगे, समझ गया। इसीलिए वहाँ पे डिमांड की जा रही है अपोजिशन में जो लोग है कि पीएम ने मणिपुर के ऊपर क्या करना चाहिए, एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, आंसरेबल देना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, ओके। भारत के लोगों का रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर रहे हैं, और इसीलिए पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं वो हमने भेजे हुए लोग हैं, लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसीलिए गवर्नमेंट आंसरेबल किसको होगी, पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट कभी भी अपना सपोर्ट निकाल के गवर्नमेंट को क्या कर सकती है, कोलैप्स कर सकती है और नई गवर्नमेंट बना सकती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन की जरूरत, यानी क्या क्या बोला आपने, राइट, हाँ लाया है ना, और वो पारित भी हुआ है ना, मैंने लोक स्पीकर ने उसको एडॉप्ट भी एक्सेप्ट भी किया, क्योंकि 50 मिनिमम पीपल चाहिए ना उसके लिए, तो इनको तो पता है, इनका मेजोरिटी है। सर ये बंद कर दो, हाँ सर कल देखेंगे, ठीक है, आगे का नोट्स दी मैं आपको, सर इनको मंडे को नोट्स देना चाहूँगा।